हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताइए। गाइज अभी जो टाइम हो रहा है 11:51 और 1:30 बजे से हमारा ट्रेन है यहाँ दिल्ली से नहीं गुड़गांव से ट्रेन है कोलकाता के लिए। तो हम लोग कोलकाता चलेंगे, कल शाम को 5 बजे कोलकाता पहुँचाएगा। दिल्ली में 2 दिन का ट्रिप था, दिल्ली में 2 दिन रुके, लेकिन तबीयत थोड़ा सा ख़राब होने के चलते मेरे को रूम में ही रहना पड़ा, गुड़गांव में ही रहना पड़ गया, मैं दिल्ली नहीं जा पाया। तो अब चलते हैं कोलकाता, कोलकाता से चलेंगे दीघा, वहाँ घूमेंगे, मौज करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो गाइस रेलवे स्टेशन पर पहुँच गए हैं और थोड़ी देर में हमारी ट्रेन आने वाली है, 1:30 बजे ट्रेन है। अभी टाइम हो रहा है 1:06। तो आपको दिख रहा है हम गुड़गांव रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं, अभी ऊपर है, थोड़ी देर में नीचे जाएंगे। ओए ये देखो फोन में, देखो कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो बस बोल दो। हावड़ा, हावड़ा नानी घर जा रहे हो ना, क्या कर रहे हैं? तो गाइस ये नन्ना सा बच्चा भी हम लोग के साथ चल रहा है कोलकाता, और कहाँ जा रहे हो? और भैया भी जा रहे हैं, हम लोग तीनों जा रहे हैं कोलकाता। कहाँ जा रहे हो? बाय करो, इसमें करो बाय। सो गया और बाबू सो गया। और ट्रेन के बाहर देखिए कितना बारिश हो रहा है, बारिश का भी एंजॉय करते हैं, बैठ जाते हैं अपने सीट पे और बारिश को एंजॉय करते हुए ट्रेन से आगे बढ़ते हैं। क्या खा रहे हो? मामा हेलो कर दो, बोलो हेलो, बोलो लाइक करें वीडियो को, बोल कैसे अंगूठा दिया करते कर दो गाइस, लाइक करो वीडियो को। तो गाइस सो गए थे और सो के जब जैसे ही उठे तो हम पहुंच गए थे बनारस के ये घाट पे। ये देखिए बनारस का घाट ट्रेन के बाहर से आपको दिख रहा है। तो हम अभी जगे हैं थोड़ी देर पहले और ये हम लोग नदी क्रॉस कर रहे हैं। टाइम भी उठ गया है। टाइम क्या कर रहे हो, बिस्कुट खा लिया आपने? थोड़ा सही बच्चा है, फिनिश करो जल्दी से इसको। और बाहर का व्यू, मुंह धोने के बाद ट्रेन से बाहर देखे तो ये देखिए ट्रेन से बाहर कितना ही सुंदर पहाड़ दिख रहा है, ऊपर से आसमान दिख रहा है, बाहर का व्यू एंजॉय करते करते टाइम हो गया 11:21। तो उसके बाद हमको लग गया था जोरों से भूख और कोई नाश्ता वाला आ नहीं रहा था। तो हम भैया और बाबू चले हम लोग कैंटीन की तरफ कि कुछ कैंटीन में होता है तो उसको लेके खाते हैं। तो अभी चलते हैं कैंटीन की तरफ, देखते हैं क्या है क्या नहीं। और अफसोस कि कैंटीन में कुछ मिला नहीं खाने को, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, 11:21 हो गया था और कैंटीन वाले ने बोला कि अब कुछ देर में तो खाना ही जाएगा तो आप वेट कर लीजिए। तो हम लोग खाना का वेट कर रहे हैं और ये देख रहे हैं बाहर का व्यू। ये देखिए कितना प्यारा जंगल है, पहाड़ सब कुछ दिखाई दे रहा है। हम तो बाहर का ही व्यू देख देख के एंजॉय, मतलब मज़ा आ गया ट्रेन से। ये वाला जो सफ़र था दिल्ली टू कोलकाता, क्या आएगा अब इसके बाद, क्या आएगा जंगल के बाद, क्या आएगा मामा अभी, और एक क्या आएगा, क्या आएगा जंगल, ये देखो, ये देखो जंगल फिर से,
मिर्च खाई। एक और टनल आने वाला है, तो गाइज फाइनली हमारा खाना आ गया है, अब इसको खाते हैं फिर करते हैं आगे का सफर एंजॉय। बहुत जोर से भूख लगी है, पहले खाते हैं। तो गाइज खाना खाने के बाद थोड़ा सा नींद लगने लगी, सोते हैं। अभी टाइम हुआ है 2 बज रहा है और लगभग 6 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे कलकत्ता हावड़ा, चलते हैं। तो गाइज सो के उठ गए हैं और देख रहे हैं वेब सीरीज, और तैम और भैया बाहर की तरफ देख रहे हैं और हम यहाँ पे वेब सीरीज एंजॉय कर रहे हैं मस्त। और कुछ देर के बाद हम लोग पहुँचेंगे हावड़ा। तो तैम आ गए, अब कहाँ आ गए बताओ? बोलो हावड़ा आ गए। गाइज 1 घंटा लेट है और हम लोग फाइनली हावड़ा पहुँच गए, बस 10 मिनट में हावड़ा पहुँच जाएंगे। और हमारे साथ तैम भी है। रेडी हो गए, उत्ता पहन लिया सबको, ये भी पहन लिया और बस निकलेंगे। नहीं गाइज 1 घंटा से राउटर पे ले आके ट्रेन खड़ा करके टॉर्चर कर रहा है, हम जा ही नहीं रहा, धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्या हुआ, क्यों गिर गए? पकड़ो अच्छे से। मामा आजा भैया, इसको पकड़ लो, आप गिरी जा रहे थे, इस पे सर रखो। तो गाइज फाइनली हावड़ा हम आ गए, ट्रेन छोड़ दी और ये देखिए हावड़ा स्टेशन पे कितना भीड़ है। अरे बाप रे, इतना लोग कहाँ से आ गया, इतना सारा लोग कहाँ से आ गया। हम लोग दो पे हैं, तुम लोग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज फाइनली हम लोग ट्रेन पर से उतर गए और थोड़ा सा मार्केट आए हैं कपड़ा वपड़ा खरीदने, गंजी उंजी खरीदने। भैया क्या खरीदेंगे आप? आप चश्मा खरीदेंगे? हाँ मुझे बस चश्मा। तो चश्मा लेंगे, आ गए हम लोग मार्केट में गंजी चश्मा लेने और पैंट। देखिए ये मार्केट है श्री रामपुर। 98 वाला कौन सा है? ये वाला है। तो गाइज फाइनली आ गए घर और देखिए हमें मिला है रसोगुल्ला नाश्ते में, और उसके बाद आया हमारा डिनर। ये है पॉम्पलेट राइस, ये मछली, ये दाल, ये ऑमलेट। तो इतना सारा खाना आ गया है और हम लोग को अब खाना है और खा के सो जाना है, क्योंकि कल सुबह दीघा का ट्रेन भी है तो जल्दी उठना भी है। तो पॉम्पलेट मछली तो काफ़ी स्वादिष्ट है, बहुत मज़ा आ रहा है खाने में, वाओ। फाइनली गाइज खाना पीना हो गया कंप्लीट, अब हम लोग जा रहे हैं सोने। तो फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कल जाना है मोदी का, कल वाला ब्लॉग जरूर देखिएगा। चलते हैं सोने, गुड नाइट, बाय।